वेलकम टू द चैनल। आज हम सीखेंगे लोन शीट कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर। लोन शीट इंपॉर्टेंट जब हो जाती है जब आप कहीं फाइनेंस कंपनी या बैंक में कहीं काम करते हैं एज अ लोन एजेंट, तो वहाँ पर आपको लोन शीट बनानी पड़ सकती है, जिसमें कि यहाँ पर हम लोन का सारा हिसाब रखेंगे, कितनी इंस्टॉलमेंट है, कब कब कितनी कितनी किस्तें कटेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझा दूँ इसका क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख दिया लोन अमाउंट। सपोज़ करो जैसे कि हम लोग 5 लाख का लोन लेते हैं, उस पर बैंक ने हमें 12% का इंटरेस्ट लिया है हमसे, और ये लोन का पीरियड 4 साल है और पीरियडिसिटी 12, इसका मतलब है साल में 12 महीने होते हैं, तो हर महीने जैसे किस्त कटती है तो टोटल 12 हमारी 1 साल के अंदर इंस्टॉलमेंट हो गई। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, जितने साल के लिए हम लोग लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पर 0.03% जो है इंटरेस्ट आ गया पर ईयर। फिर है कितनी किस्त मेरे को टोटल देनी है, तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन 4,12, ब्रैकेट बंद एंटर। प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं और नहीं तो शॉर्टकट भी है इसका, सिर्फ फॉर्मूला ना लगा करके इक्वल्स टू 4×12, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। फिर मेरे को इंस्टॉलमेंट निकालनी है, इक्वल्स टू PMT, ब्रैकेट ओपन, ये जो रेट है इस रेट में हमें ये वाला रेट डालना जो कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि पर ईयर का है, तो पर ईयर ले लिया हमने, कॉमा एन पर मतलब नंबर ऑफ पेमेंट कितनी करनी है हमें, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है तो 48 इंस्टॉलमेंट्स हैं टोटल, कॉमा माइनस PV, PV मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ये है हमारी 5 लाख, ब्रैकेट में इंटर। तो जो हमारी इंस्टॉलमेंट है, जो हमारी EMI कटेगी वो 19,778 रुपये कुछ कटेगी। फिर उसके बाद हम पूरा नीचे शेड्यूल निकालते हैं इसका, ये भी बहुत ईजी है वैसे तो। टोटल कितने हैं, 48 मंथ्स की हमारी इंस्टॉलमेंट चलेगी, तो हम पहले मंथ्स लिख लेते हैं। यहाँ पर मंथ्स लिखने का बहुत आसान तरीका क्या है, आप ये मंथ लिख के एंटर करेंगे, होम में जाएंगे, फिल में जा करके सीरीज में चले जाएंगे, कॉलम लेके और जहाँ तक आपको काउंटिंग चाहिए वो लिख के एंटर कर देंगे, तो नीचे 48 तक काउंटिंग आ जाएगी। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि हमारा जो लोन है वो किस अमाउंट पे चालू हुआ है, तो 5 लाख पे अमाउंट हमारा चालू हुआ है। फिर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, इक्वल्स टू 5 लाख इंटू इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये हम इसको लॉक कर देंगे, F4 प्रेस करके एंटर। फिर उसके बाद है इंस्टॉलमेंट, ये हमेशा सेम रहेगी, तो जैसे ही इसको लेंगे हम लोग इसको भी लॉक कर देंगे, एंटर कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस क्लोजिंग। ये सब मैंने क्यों लगाया, यहाँ बेसिक से लॉजिक समझते हैं ज़रा। पहले जो मेरा लोन था वो 5 लाख का था, 5 लाख पे मैं कुछ ब्याज भी दूंगा बैंक को, इन दोनों को जोड़ के मेरा 5,15,000 रुपये हो गया। फिर मैंने एक पहली अपनी इंस्टॉलमेंट 19,000 रुपये चुका दी, जब मैंने ये सब चुका दिया इन दोनों को जोड़ के इसको लेस कर दिया, तो मेरा अब जो लोन का जो बैलेंस है वो कुछ इतना बचेगा, ये क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब अब मेरा जो लोन है वो इस पे चलेगा, तो अगले जो सेकंड मंथ है इसका ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ऐसे ये इंटरेस्ट है इक्वल्स टू अब इस पे लगेगा इंटू ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको भी F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे एंटर। इंस्टॉलमेंट सेम है तो मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ 48 तक। फिर उसके बाद है क्लोजिंग बैलेंस इक्वल्स टू ओपनिंग, इस पे हमारा ये ब्याज है 14,000 रुपये माइनस में जितनी मैंने किस्त दे दी है, एंटर। अब इंडिविजुअली अगर निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम लोग इसको ड्रैग कर देते हैं। अगर आपको ड्रैग करना नहीं आता तो आप सिलेक्शन लेके Ctrl+D भी प्रेस कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस में आप यहां से ड्रैग नहीं करेंगे, सेकंड मंथ से ड्रैग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो पूरा का पूरा स्केड्यूल है,
जब भी आप बैंक या किसी फर्म में काम करेंगे जो फाइनेंसिंग फर्म है, वहाँ पर आप हर एक मंथ का बैलेंस सामने देख सकते हो कि हम हमारा लोन कितना बच गया और कितना अभी पैसे हमें देने हैं। और लास्ट में 48 मंथ्स पे जब हमारा लोन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें यहाँ पर जीरो बैलेंस शो करेगा। अगर आपके आंसर में जीरो बैलेंस नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। एक कंडीशन और ले लेते हैं हम लोग। अब इसमें मैंने लोन अमाउंट को लिया 18,50,000 रुपये और यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट रेट को 14% कर दिया और लोन पीरियड हमारा इसमें 5 साल है, तो इसको भी निकाल के देखते हैं। इक्वल्स टू जो हमारा इंटरेस्ट रेट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो इस बार हमारा 0.028% पर ईयर इंटरेस्ट चार्ज होगा और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल 60 इंस्टॉलमेंट हमारी जाएंगी और PMT के फॉर्मूले से हम इसकी भी इंस्टॉलमेंट निकाल लेंगे। रेट में रेट लेना है, कॉमा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कॉमा माइनस में प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रैकेट बंद। तो इस बार हमारी जो EMI है वो 64,008 रुपीज़ है, तो इसको भी निकालते हैं हम लोग। इक्वल्स टू ओपनिंग बैलेंस इंटरेस्ट वाई ओपनिंग बैलेंस इनटू में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको लॉक कर देंगे और F4 प्रेस करके। इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी हमारी हमेशा, तो इसको भी लॉक कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस में इंस्टॉलमेंट एंड देन एंटर। फिर यहाँ ओपनिंग बैलेंस में जो लास्ट मंथ का क्लोजिंग था वो ले लूँगा और इसको सिलेक्शन लेके मैं कंट्रोल डी प्रेस कर दूँगा। ऐसे ही इन सब की सिलेक्शन लेके मैं इकट्ठी यहाँ पर नीचे कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा। आप देख सकते हो 60 इंस्टॉलमेंट में मेरा आंसर जीरो आ गया। सो गाइस, यहाँ पर आज हमने कौन कौन से फॉर्मूले कवर करे, इंटरेस्ट निकालने का, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जिसमें हमने पिछले वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी यूज़ किया था, फिर यहाँ पर PMT का फॉर्मूला यूज़ किया और बाकी यहाँ सिंपल कैलकुलेशंस के फॉर्मूले हमने यूज़ किए। सो गाइस, हमारी लोन शीट कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।